पापा लगभग 10-15 दिन से राशन के लिए जा रहे थे चौकी पर, फिर राशन उन्हें नहीं मिलता था। डेली शाम को खा लिया तो वापसी आते थे। बगल से मांग कर कैसे भी खाना बनाया था शाम को, और उनको देने गए तो देखे उन्होंने खांसी लगा दी। लुधियाना के फोकल पॉइंट विच उस वेले वड्डा हंगामा हो गया जदों वड्डी तादाद च प्रवासी मजदूर एते इकट्ठे हो गए। ये मजदूर राशन लैण लई आए सन। इस दौरान एक मजदूर वल्लों खुदकुशी भी कर ली गई, जो कि लुधियाना के सगल पवित गांधी कलोनी का रहने वाला दस्या जा रहा है। मौके पर पहुंचे थाना फोकल पॉइंट के SHO मुहम्मद जमील ने दस्या कि इकट्ठ नूं खदेड़दिया खुदकुशी मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। मृतक के परिवारक मैंबर ने अते आम लोगों ने दस्या कि उन्होंने राशन नहीं मिल रहा। मृतक के परिवारक मैंबर ने कहा कि उन्होंने पिता रोजाना राशन लिए चौंकी जाते हैं, खाली हथ घर वापस आते हैं, जिस करके इस मजदूर वालों एडा वड्डा कदम चुक लिया गया। उधर स्थानक लोगों ने भी कहा कि उन्होंने राशन नहीं मिल रहा, जिस करके मजदूर काफी परेशान ने। पापा लगभग 10-15 दिन से राशन के लिए जा रहे थे चौकी पर, राशन उन्हें नहीं मिलता था। डेली शाम को खा लिया तो वापसी आते थे, और राशन नहीं मिलता था। हम लोगों ने इधर उधर बगल से मांग कर कैसे भी खाना बनाया था शाम को, और उनको देने गए तो देखे उन्होंने फांसी लगा ली। कब कब की बात है भाई? कल रात को 9:30 बजे। कहाँ पे? इधर ही किया है? नहीं, बगल वाले कमरे में। आज जो वार्ड नंबर 23 में राजीव गांधी कॉलोनी में जो एक मजदूर आत्महत्या कर लिया, अजीत राय नाम का व्यक्ति था, वो लगभग 15 साल से यहाँ रह रहा था। इसके साथ भेदभाव कारण क्या बना कि 19:05 पे इसने राशन अपना बुकिंग कराया और लगातार एरिया के थाने पे जाता रहा, लेकिन वहाँ पे एरिया के SHO का और इस एरिया के पार्षद का गंदी करतूत के कारण ये मजदूर आज आत्महत्या कर लिया। एरिया का थाने के SHO 19:05 पे जो बंदे अपना रजिस्ट्रेशन करा के राशन लेने जा रहे हैं, वहाँ पर राशन ना देने के वहाँ पे मजदूरों को लाठी मारा जा रहा है, और वहीं पे एरिया के पार्षद का सिग्नेचर करके कोई पर्ची आ जा रही है, तो एरिया के पार्षद के जो अपने आदमी हैं उनको राशन दिया जा रहा। इस बात पे लेके आके ये मजदूर लगातार 10 दिन से आता जाता रहा और लाठी खाता रहा पुलिस का। इसमें हरासमेंट होके आके उसने आत्महत्या कर लिया, इसलिए कि उसके घर में किसी प्रकार का खाने की व्यवस्था ही नहीं थी। जब जाता था मजदूर पूछते, बच्चे पूछते थे कि पापा राशन नहीं मिला, इस बात के दुखी कर लिया। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि पंजाब सरकार और जिला लुधियाना के DC और कमिश्नर ये तमाम इस बात पे इंक्वायरी करके एरिया के पार्षद पे और एरिया के थाने के SHO पे बनती कार्रवाई करे, और तमाम लुधियाना में जितने मजदूर वर्ग हैं उनको राशन का और रहने की व्यवस्था करे। 2 तारीख को मैसेज आया था, हमने आया, हम मैसेज देख के तो बोल रहे हैं कि आपको फ़ोन जाएगा। फिर 6 तारीख को आया, फिर बोले फ़ोन जाएगा। फिर 8 तारीख को आया, फिर बोले फ़ोन जाएगा। आज 10 तारीख हो गया, फ़ोन नहीं गया। 2 तारीख को आया, देख लो 8 दिन हो गए, अभी तक मिला नहीं। नंबर आया, मैसेज आ रहा है, बस फोन नहीं आया। क्या कहते हैं? बोले फोन जाएगा। मैसेज आया, यहाँ इतनी लाइनें लगाई हैं, ये पुलिस वालों ने बोला कि लाइनें लगा लो। हाँ, लाइनें लगाने के लिए बोली हैं। उसके लगाए बंदे, तो ये 4 दिन से लाइनें लगवा रहे हैं, राशन नहीं दे रहे। दे रहे हैं राशन, लेकिन फोन वाले को दे रहे हैं, और मैसेज वालों को फोन जा नहीं रहा। सर कहना यही है कि मैसेज आपको फोन नहीं आया तो आप लाइन क्यों लगा रहे हो? वही पूछना है ना कि भाई कितना दिन तक इंतजार करें, पता तो चले कितने दिन तक वेट करना पड़ेगा। क्या नाम? राजेश कुमार पासवान। यहाँ क्या करने आए हो? राशन लेने आए हुए। राशन लेने आए? हाँ जी, 3 दिन से आज दौड़ रहे, आज आओ कल आओ, आते हैं पुलिस वाले मारते हैं, घदेल लेते हैं, रोज बुलाते हैं, मिलता नहीं है राशन। कितने दिन हो गए? 4 दिन से हम 4 दिन से दौड़ रहे, आते हैं शाम को जाते हैं। अगर सर बना के भी कल अगर आया हुआ है मैसेज, अगर आता है फोन आता तो हम लोग आते नहीं, तो फोन करना चाहिए ना इनको, मैसेज क्यों देते हैं इतने लोगों को? नहीं तो ये यहाँ या आपको बुलाया सभी को, इतनी भीड़ को मैसेज पे दे रहे हैं? मैसेज आ जाता है कि आप 8 बजे दो दिन हो गया, 3 दिन हो गया, कल टोकन दिए हुए कि कल आना, ये टोकन दिए हुए है। क्या कहते हैं? आ जाओ। हाँ कल आना, आए तो बोलते हैं लाइन में लगे। हम लोग दिन भर लाइन में लगे तो शाम को ये टोकन मिला। अभी क्या बोल रहे हैं ये? अभी सुन ही नहीं रहा बोलते, अभी कल 5 बजे गए, आज है तो आए तो बोलते हैं लाइन में लगो, यही तो रोज करा धरा है। आपको मालूम है थोड़ी दूरी बना के रखने का? यहाँ अब दूरी कहाँ बन रहा है सर, यह दूरी बनाएंगे तो चल जाएंगे जमालपुर।
SHO लुधियाना वालों परिवारक मैंबरां दा बयान दर्ज कर लिया गया, जिस दे आधार ते कार्रवाई की जाएगी। जिहड़ा अजीत राय हैगा भी उन्हें सुसाइड किया, उस वक्त असीं रात मौके ते आए सी, जिहड़ी बॉडी रखवाती है, बाकी जिहड़े दिमागी तौर पर परेशानी से घरेलू जिहड़े सबूत सीगा वो असीं वेरीफाई करके जो स्टेटमेंट देंगे उनका कार्रवाई कर देंगे। नहीं वेरीफाई करेंगे तो बयान देंगे, वो मुताबिक जो भी बयान देंगे उसकी पड़ताल हो जाएगी, कार्रवाई कर लेंगे। मगर रश का कारण की है कि पहला की होंगे सीगा भी फोन करके बुलाते सके, हूँ की होगा भी जिन्हों मैसेज आएगा सीधा आ सकता है, वो करके हरेक को होड़ लगी है मैं सब तो पहला जावा, लोगों ने समझा रहे हैं डिस्टेंस बना के रखो, असं तकरीबन डेली 1500-1500 दे रहे हैं। नहीं जरा प्रॉब्लम थोड़ी मैं दस दी है ना भी हरेक को ईजीली हो गया उन्होंने मैसेज अगे पहुँचा, हरेक बंदा उत्थे आ रहा है अप्रोच कर रहा है, आखिर जिन्हें टीमें लगिया ने वारी वारी दिता जाना ना समान सारा वो सारे असं सपोर्ट कर रहे हैं। लुधियाना तो रजिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट, चैनल पंजाबी। साडा हर एक प्रोग्राम देखण ते साडे नाल जुड़न लई सबसक्राइब करो चैनल पंजाबी ते नोटिफिकेशन लई बैल आइकन वाले बटन ते क्लिक करो।